The features which are common to the ordinances and rules which are applying in Pakistan, they are discussed. Government may invest officer with certain powers. Actually, what is happening that by notification, by any gazette notification, government can give or delegate powers to even the subordinate officer. So, is hawale se jo bhi wildlife officer hai, usko government certain powers deti hai ke wo kisi accused ko court mein bhi present kar sakta hai. Uski attendance ensure karwa sakta hai, inquiry hold kar sakta hai use accused ke against, as well as to prosecute a case before a magistrate. Yani case present kare, wo witnesses ki attendance ensure kare, aur even us accused ke against inquiry bhi wo raise kar sakta hai in the absence of certain things. Officer to be a public servant. This is very important and mandatory ke jo bhi wildlife officer hai wo public servant hona chahiye. Protection of action taken under this act. Sometimes aise ho jata hai ke in good faith jo wild officer hai, he is doing nothing, but kisi wajah se usko inquiries ka samna karna pad sakta hai. Koi wild animal uski nigrani mein ya kya kehna chahiye uski wajah se shayad uski killing ho gayi hai ya usko koi aur disease ka samna karna pad gaya. To is cases mein in wild officers ko cases ka samna karna padta hai ya court ke problems bhi samne aa sakte hain. To is hawale se inke liye protection bahut zaruri hai. In par koi case kisi kisam ka नहीं प्रेजेंट किया जा सकता, बिकॉज दे आर डूइंग इन गुड फेथ ओनली. ड्यूटी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर. समटाइम्स फॉर डूइंग रेड्स जो वाइल्ड ऑफिसर्स हैं, दे एक्चुअली टेक हेल्प फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर्स. अगर उनको रिक्वेस्ट ऑन रिक्वेस्ट एक्चुअली पुलिस ऑफिसर्स दे मे हेल्प द वाइल्ड ऑफिसर्स फॉर टेकिंग द रेड्स. डेलीगेशन ऑफ पावर्स. If a suitable wild officer is not there, government by notification subordinate officer ko bhi powers delegate kar sakti hai. Power of sale or exchange, power to make rules, power to add or to exclude from the schedules. Actually, ye wo powers hain jo sometimes government kisi particular reason ki wajah se allow kar rahi hoti hai. Matlab routine mein the wild animals are banned. वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग किलिंग बैन की गई है, मगर साइंटिफिक पर्पजेज के लिए, एजुकेशनल पर्पजेज के लिए या किसी और पर्पज के लिए अगर गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ये डिक्लेयर कर दे कि ये सारी की सारी चीज़ें वेव ऑफ हैं, तो ऑब्वियसली वो वेव ऑफ हो जाती हैं. पावर टू ग्रांट एग्जम्पशंस. एग्जम्पशंस के केस में वाइल्ड एनिमल्स की को जो हंट करने का फिनोमिना है उसको समटाइम कह दिया जाता है कि जी दे आर अलाउड फॉर हंटिंग. डिसोल्यूशन ऑफ बोर्ड. गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन भी ये डिक्लेयर कर सकती है कि बोर्ड को इस डेट से, इस टाइम पीरियड से डिसॉल्व कर दिया गया है. उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेज के लिए भी गवर्नमेंट उसी गजट नोटिफिकेशन में डिक्लेयर कर देती है कि उस बोर्ड की डिसॉल्व करने के बाद उसके मैनेजर कौन होंगे, उसको किस तरह मैनेज किया जाएगा. शेड्यूल्स. तमाम ऑर्डिनेंस के रूल्स के बाद जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो हैं शेड्यूल्स. पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट में देर आर फोर शेड्यूल्स जिनको सिंपली डेजिग्नेट किया जाता है. शेड्यूल वन, शेड्यूल टू, शेड्यूल थ्री एंड फोर, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. और हर शेड्यूल में स्पेसिफिक वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताया जाता है कि उनकी हंटिंग अलाउड है या नहीं अलाउड, और उनमें कौन कौन से एनिमल्स, उनका नंबर और उनकी हंटिंग या किलिंग के मैथड्स या इस्तेमाल होने वाली गन्स के बारे में भी बताया जाता है. इन केस ऑफ शेड्यूल वन, वाइल्ड एनिमल्स दैट कैन बी हंटेड ऑन एन ऑर्डिनरी परमिट विद डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग इज मेंशन. आम परमिट के साथ वाइल्ड एनिमल्स की किलिंग होती है और इस शेड्यूल में लिस्ट ऑफ एनिमल्स इंक्लूड होती है, द नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूड होते हैं और हर वो कॉम्पोनेंट जिससे आप किलिंग या हंटिंग परफॉर्म कर सकते हैं उसकी डिटेल्स इस शेड्यूल के अंदर मैंशन की जाती हैं. शेड्यूल टू, इसमें एनिमल्स, ट्रॉफीज और मीट्स फॉर प्रोफेशन, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के लिए प्रॉपर सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है. किन एनिमल्स का यूज किया जाएगा,
किन के लिए किन की ट्रॉफीज को आप ले सकते हैं और किन को आप एक्सपेंड करवा सकते हैं। फॉर शेड्यूल 3 वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द ईयर, यानी इनकी हंटिंग एंड किलिंग थ्रू आउट द ईयर बैन की जाती है। शेड्यूल 4 इट इंक्लूड्स वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स विच आर नॉट प्रोटेक्टेड, अगेन ये वो एनिमल्स हैं जिनके लिए कोई खास प्रोटेक्शन का एहतमाम नहीं है, सो इनके लिए भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में डिक्लेयर करेगी कि हम इनके साथ किस तरह पेश आ सकते हैं।